खेल प्राइम के साथ हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। गौरव, अब आपके पास। शुक्रिया ओपी। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच वनडे सीरीज की खबरों के साथ। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही महिलाओं की तीन मैचों की वनडे सीरीज का आज दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इस सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे चल रही है। इससे पहले खेले गए सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड को भारतीय महिला टीम के हाथों 7 विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा था। आज का ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम होगा। सीरीज का पहला मैच अपने नाम करने के बाद आत्मविश्वास से भरी भारतीय महिला टीम जहां आज के इस मैच को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बनाने के इरादे से मैदान में उतरेगी, वहीं इंग्लैंड टीम की कोशिश आज के मैच को जीतकर सीरीज में बने रहने की होगी। महिला T20 एशिया कप 2022 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक बांग्लादेश के सिलहट में खेला जाएगा। इसकी घोषणा एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ने की। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम अपने अभियान की शुरुआत 1 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ करेगी। फिर भारतीय टीम 3 अक्टूबर को मलेशिया और 4 अक्टूबर को UAE से भिड़ेगी। लगातार 2 दिन खेलने के बाद टीम 7 अक्टूबर को पाकिस्तान के सामने होगी। एशिया कप के 8वें संस्करण में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट राउंड रॉबिन के आधार पर खेला जाएगा जिसमें शीर्ष 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। और अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज की, जिसमें कल जो खेला गया जो मुकाबला था उसमें टीम इंडिया को हार मिली। पहले मुकाबले में मोहाली में भारत को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 208 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 30 गेंदों में 71 रन की नाबाद पारी खेली, जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19.2 ओवर में 6 विकेट गंवाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। कैमरून ग्रीन ने 30 गेंदों में 61 रन और मैथ्यू वेड ने 21 गेंदों में 45 रन की नाबाद पारी खेली। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अगला मुकाबला 23 सितंबर को नागपुर में खेला जाएगा। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड की। पाकिस्तान की धरती पर 17 साल बाद क्रिकेट खेलने आई इंग्लैंड की टीम ने जीत के साथ आगाज किया। दोनों देशों के बीच 7 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में इंग्लिश टीम ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। कराची में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मैच में पाकिस्तान ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 158 रन का स्कोर किया। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 68 रन की पारी खेली। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 19.2 ओवर में 4 विकेट खोकर 160 रन बना लिए। इंग्लैंड की ओर से एलेक्स हेल्स ने 53 रन बनाए जबकि हैरी ब्रुक ने 42 रन की पारी खेली। दोनों टीमों के बीच दूसरा T20 मुकाबला अब गुरुवार यानी कल खेला जाएगा। बात कर लेते हैं रॉजर फेडरर की। रॉजर फेडरर अपने शानदार करियर के अंतिम टूर्नामेंट द लेवर कप में हिस्सा लेने के लिए लंदन पहुंच चुके हैं। फेडरर ने कहा है कि लंदन पहुंचकर वो काफी खुश हैं। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि उन पर कुछ दबाव सा भी है क्योंकि ये उनका आखिरी टूर्नामेंट है। 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके फेडरर ने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया था कि लेवर कप उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। 41 साल के फेडरर ने टेनिस में कामयाबी के शिखर को छुआ और अपने संपूर्ण खेल से टेनिस की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल किया। फेडरर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 6 बार, फ्रेंच ओपन 1 बार, US ओपन 5 बार और विंबलडन रिकॉर्ड 8 बार जीता है। 20 ग्रैंड स्लैम खिताब के आंकड़े तक पहुंचने वाले वे पहले पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने थे। फेडरर और उनके समकालीन खिलाड़ियों 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता राफेल नडाल और 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके नोवाक जोकोविच को बिग 3 भी कहा जाता है। इन तीनों ने मिलकर पिछले 2 दशक में टेनिस की दुनिया में अपना दबदबा कायम किया। जब जज्बा होता है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हासिल नहीं की जा सकती, और कड़ी मेहनत के बाद जब कुछ हासिल होता है तो वो दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है गुरुग्राम की गीता, प्रिया और रितु यादव नाम की 3 बहनों ने। तो क्या है इन तीनों की कहानी और क्यों इन तीनों का नाम विश्व रिकॉर्ड का गवाह बनाए, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अपने मेडल्स के साथ अपनी कामयाबियों का ध्यान करती